कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे चंद्रमा ग्रह के बारे में। हमने जिस मंत्र से शुरुआत की है वो महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर को प्रसन्न करने का मंत्र है, और भगवान शंकर चंद्रमा ग्रह के इष्ट देव माने जाते हैं। हमारे साथ हमारे पंडित जी हैं जो कि हमारे ऑफिस में अनुष्ठान करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग चंद्रमा के मैक्सिमम उपाय जानेंगे कि जिससे हम चंद्रमा को ठीक रख सकते हैं। चंद्रमा से आज महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर से मैक्सिमम ब्लेसिंग्स हमें मिले ताकि हमारा धन धान्य संपत्ति बढ़ती चली जाए और आप सबके घर में बरकत ही बरकत हो। तो आइए जानते हैं चंद्रमा को ठीक रखने के प्रिकॉशंस और उसको करने के शुभ उपाय और रामबाण उपाय जो कि कभी खाली नहीं जाते। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों चंद्रमा ग्रह बहुत ही डेलिकेट प्लैनेट है लेकिन फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, इसलिए चंद्रमा को ठीक रखना बहुत जरूरी है। चंद्रमा हमारी डेली इनकम का कारक होता है, इसलिए चंद्रमा को कभी भी केतु से खराब नहीं होने देना। हम लोग क्या करते हैं, हमारी दिनचर्या में होता है कि हम लोग घर में दूध का दही या पनीर बनाना शुरू कर देते हैं जो कि चंद्रमा को खट्टा लगा के होता है, दूध को खट्टा लगा के होता है। तो खट्टा केतु की आइटम है, इसलिए चंद्रमा को ठीक रखने के लिए अपने घर पर दूध को फाड़े नहीं, उसको दही पनीर में कन्वर्ट ना करें, मार्केट से बना बनाया लेकर के आए। चंद्रमा जो है वो जब भी आप उसमें दूध का पनीर बनाते हैं, पानी जब आप उसका वेस्ट कर देते हैं तो वो चंद्रमा को और ज्यादा खराब करता है। दही का पानी वेस्ट होता है और ज्यादा खराब करता है, इसलिए इस प्रिकॉशन को हमेशा ध्यान रखें। जिन लोगों के घरों में ये चीज होती है उस घर की जो बुजुर्ग औरत होती है, माँ होती है, दादी होती है, उनको जॉइंट्स की मेजर तकलीफ आनी शुरू हो जाती है, जोड़ दर्द करते हैं, पैरों में टांगों में दर्द रहने शुरू हो जाते हैं, स्पाइन की प्रॉब्लम, केतु की प्रॉब्लम, उनकी सर्जरीज होनी शुरू हो जाती हैं, ये परहेज करें। चंद्रमा को बढ़िया रखने के लिए अपनी मदर के पैर छू करके हर रोज आशीर्वाद लें, सफेद रंग के कपड़े पहने, चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। मैक्सिमम लोगों के घरों में चांदी के बर्तन होते हैं लेकिन उनको ऐसे संभाल के रखा जाता है कि उनको बर्तन के तौर पे कभी यूज नहीं करते, वो बड़े बड़े काले पड़ जाते हैं जो कि चंद्रमा को खराब करते हैं। इसलिए अगर आपके घर में चांदी के बर्तन हैं उनको हमेशा साफ सुथरा रखें, पॉलिश्ड रखें और उनका इस्तेमाल भी करते रहें। जैसे जैसे आप चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे उनको, तो उसके अकॉर्डिंगली वैसे वैसे आपका चंद्रमा मजबूत होगा, उन बर्तनों का भी इस्तेमाल होगा, आपके चंद्रमा के ग्रह की मजबूती आएगी, उससे आपका कैश फ्लो बढ़ेगा, आपकी दिनों दिन ग्रोथ होती चली जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल रेज होता जाएगा। जिनका चंद्रमा बहुत पीड़ित है उन लोगों को चाहिए कि अपनी मदर के हाथों थोड़ा चांदी का पाउडर, उसके बाद थोड़ी सी चांदी, थोड़े से बासमती चावल और उसमें थोड़ा सा केसर ऐड ऑन करके चांदी की डब्बी में डाल के उसको मदर से आशीर्वाद के तौर पर अपने पास रखें। उसमें दूध रंग के दो सफेद सुच्चे मोती जो कि साउथ सी के कम से कम हो, या वेनेजुएला या फिर बसरा, जो भी मोती आपके पास नेचुरल पर्ल्स मिल्की वाइट कलर में हो, तो उनको अपने पास रखें, सारी उम्र संभाल के रखें, आपका चंद्रमा कभी खराब नहीं होगा। अपनी माँ समान औरतें जितनी भी हों जब भी मिलें उनके चरणों को स्पर्श करें। लोग अक्सर घुटनों तक रह जाते हैं जो कि खराब करता है, इसलिए चरणों को हाथ लगा करके आप उनसे आशीर्वाद लें, आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनके इमोशंस जो हैं वो भी चंद्रमा से होते हैं। उनके घरों में जो वाटर सोर्स होता है जहां से पानी एंटर करता है घर में, या जो भी वाटर सोर्सेज, वाटर सप्लाई, वो सब चीजों में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हमेशा ठीक रखें। अपने घर में बाथरूम्स में कभी खराबी ना आने दें, अपने घर में जो सैनिटरी का जो आउटलेट है या जो भी टॉयलेट सीट्स हैं या वॉशरूम्स हैं उनको हमेशा मैक्सिमम साफ सुथरा रखें, उनमें कभी गंदगी नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा क्लीन एंड क्लियर और महकते रहें, उनमें कभी भी बदबू ना हो, खराबी ना हो, गंदगी ना हो। और क्लटर या कबाड़ घर पे जमा करने से आपका राहु तो खराब होता ही होता है, साथ ही साथ चंद्रमा भी पीड़ित हो जाता है।
जिन लोगों को चंद्रमा अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, उन लोगों को अपने घर में वाटर की बोरिंग यानी समर्सिबल की जो बोरिंग करवानी होती है उसको बहुत सोच समझ के करवाना चाहिए। वो आपकी मकान कुंडली पे डिपेंड करती है कि आपके घर का नक्शा कैसा है, आपकी वो फेसिंग कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन गलत दिशा में करवाई गई समर्सिबल बोरिंग आपके चंद्रमा को खराब कर सकती है। आपके घर में जो भी वाटर पानी का जो सोर्स है, जो आपने पानी पीना है, चाहे आप आरओ का इस्तेमाल कर रहे हैं या नेचुरल वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस एरिया में पर्टिकुलर कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। कभी भी अपनी मां समान औरत या अपनी मदर या अपनी दादी के साथ बहस ना करें, उनको कभी गाली गलोच ना करें। कुछ लोग हाथ उठाते देखे हैं मैंने, वो चीज हमेशा आपके चंद्रमा के ऋण को क्रिएट करेगी। ये चीज अवॉइड करें अपने घर में। पंडित जी जैसे कि सिर्फ जो कौन से शिवलिंग हम रख सकते हैं उनको, मुझे नाम दिमाग से निकल रहा है, नर्मदेश्वर। अगर आपके घर में सिर्फ अगर आपने घर में शिवलिंग रखे हैं तो सिर्फ नर्मदेश्वर शिवलिंग या स्फटिक के शिवलिंग घर पे रख सकते हैं, और कोई शिवलिंग घर पे रखना जायज नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के तौर पर पारद के शिवलिंग घर में रखवा देते हैं, जो कि जायज नहीं है। ऐसे शिवलिंग जो है वो सिर्फ मंदिर में हो, वहां पर उनकी रेगुलर पूजा अर्चना हो तो जायज है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो एटलीस्ट महीने में एक बार प्रदोष के दिन पंचामृत से अभिषेक जरूर होता रहे तो आप शिवलिंग अपने घर में रखने के हकदार हैं। अगर ये चीज नहीं होती या पंचामृत से आप अभिषेक नहीं करते तो आपको शिवलिंग रखने से भी नेगेटिविटी आ सकती है। इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अपने घर में अगर आपके शिवलिंग ऑलरेडी पड़ा है, जो कि अक्सर चंद्र 6 में, 3 में, लगन में, दूसरे में, दसवें में, पांचवें में, इन इन घरों में चंद्रमा हो तो अक्सर घरों में शिवलिंग देखने को मिलता है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो पंचामृत से अभिषेक करें, यानी दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से, गंगा जल से अभिषेक करें। और कभी भी ब्लैक कलर के शिवलिंग घर में अवॉइड करें रखना। उसके साथ साथ जिन लोगों को फाइनेंशियल फ्लो बहुत ज्यादा चाहिए, अपने घर में शिवलिंग भी है तो उस पर गन्ने के रस से अभिषेक करें। और जिन लोगों के कोर्ट केसेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं या बहुत ज्यादा कला क्लेश चल रहा है, लंबी बीमारियां चल रही हैं और घर में शिवलिंग है, तो सरसों के तेल से भी अभिषेक किया जाता है। इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। ये ऐसे रामबाण उपाय हैं जिससे कि चंद्रमा बहुत बेनिफिट हो सकता है। और सेकेंडली, अगर आप जॉब सेक्टर में हैं तो आप छोटी छोटी कन्याओं को दूध पिलाएं, हरा रुमाल दें। और अगर आप बिजनेस सेक्टर में हैं, ट्रेड करते हैं, आपका कोई अपनी दुकान है तो आप अपने मजदूरों को, लेबर को, स्टाफ को दूध जरूर पिलाएं मीठा डाल करके। और उसके साथ जैसे कि मैंने वीडियो बना रखा है, चांदी का पत्रा लाल रंग के धागे में या चांदी की चेन में गले में पहन के रखें। इन सब उपायों से आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा। इनको करिए, आजमाइए। ये उपाय भी खाली नहीं जाते। आप सबको शिवरात्रि की दोबारा से शुभकामनाएं। आपका दिन बहुत शुभ हो। और ऐसे ही वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। और जिनका भी चंद्रमा पीड़ित है उनके साथ वीडियो भी शेयर करें। जो हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, दैट इज 9872372201। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए। धन्यवाद।